सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हम यहाँ पर देखते हैं टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब टैरिफ बैरियर बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है ट्रेड बैरियर्स जो है क्यों लगाती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्पोर्ट ना हो सके। अब एक हमारी कंट्री है, ठीक है, इंडिया, इंडिया बहुत सारा इम्पोर्ट कर लेती है, तो क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा, और हमारी कंट्री जो है, जो लोकल यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो, उनका क्या होगा, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और ऐसा इसलिए, ऐसा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, इसे हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर्स क्या है, ट्रेड बैरियर्स में कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये कंडीशन है, पहले जो अपने नेशन की जो है नीड्स डिमांड वो फुलफिल होगी, उसके बाद ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ट्रेड बैरियर्स आर गवर्नमेंट इंक्लूड्स इंड्यूस्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस एंड अर्न रेवेन्यू एंड इम्प्रूव पोजिशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये इसलिए भी लगाती है कि गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यू के तौर पर कुछ टैक्सेस मिल जाए, ठीक है, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर सके, डेफिसिट से कम कर सके, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन लगाने का एक ये भी कारण है कि उनको एक रेवेन्यू मिल जाता है, प्लस उस पर एक लिमिट लग जाती है कि आप इससे ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये लिमिट लगाई जाती हैं। अब इसमें जो है टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो है टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर। तो हम पहले पढ़ते हैं टैरिफ बैरियर क्या होता है। अब जो टैरिफ बैरियर है बेसिकली ये क्या, ये लगाया जाता है कि एक प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सपोज गवर्नमेंट ने एक प्रोडक्ट जो बाहर से इंपोर्ट हो रहा था उसका प्राइस, एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, 10 रुपये है, ठीक है, जब लेकिन इंडिया में आकर वो इम्पोर्ट हुआ, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट सेल हुआ तो 12 रुपये का सेल हुआ, तो जो 2 रुपये था ये क्या लग गया, ये टैरिफ के तौर पर जो टैक्स गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है, उसके बाद ये गवर्नमेंट ने ले लिया टैरिफ के रूप में, जिससे कि इम्पोर्ट क्या हो, कम से कम हो सके। तो ये क्या करती है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर देती है। तो देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, प्राइस इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या करती है, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे टैक्स लगाती है, जिससे उस वैल्यू जो प्रोडक्ट है उसकी इंक्रीज हो जाती है। द टर्म टैरिफ मीन्स टैक्स ऑन ड्यूटी टैरिफ, तो टैक्स ऑन ड्यूटी यानी कि जो है वो उस पर्टिकुलर पैक जो है प्रोडक्ट पर लग जाती है। टैरिफ बैरियर्स आर द टैक्स बैरियर ऑन द मॉनेटरी बैरियर्स, इसको मॉनेटरी बैरियर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली मुद्रा के रूप में या मनी के फॉर्म में लगती है। इम्पोज ऑन इंटरनेशनली ट्रेड गुड्स वैन दे क्रॉस द नेशनल बॉर्डर, तो यही था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये लगते हैं, ठीक है। एक कंट्री अपनी कंट्री को, अपनी कंट्री के बिजनेस को बचाने के लिए या वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ना हो, इसको बचाने के लिए वो कुछ टैरिफ्स को लगाती है, जिससे वहाँ के जो डोमेस्टिक हैं, जो लोकल हैं, उनके बिजनेस को जो है बचाया जा सके और उनको प्रमोट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, अभी कुछ पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, कि एक गुड्स जब डिलीवर होके दूसरी कंट्री तक पहुंचता है तो किस तरीके के जो है टैरिफ लगते हैं, ठीक है, किस तरीके के टैरिफ लगते हैं। तो पहला है यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगती है, और ये इसलिए लगाई जाती है कि एक कंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ना कर सके। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, ये इसलिए कि अगर एक कंट्री में जो डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करके उसके बाद वो एक्सपोर्ट हो, इसलिए ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती हैं। ऑन एक्सपोर्ट इम्पोज्ड बाय एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाती हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी, अब इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है जिससे कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ना किया जा सके दूसरी कंट्री से। ऑन इम्पोज
इम्पोर्ट इम्पोज्ड बाय इम्पोर्टिंग कंट्री, तो ये कौन लगाती है, ये भी इम्पोर्टिंग कंट्री लगाती है जो इम्पोर्ट करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। थर्ड जो है हमारा लगती है ट्रांजिट ड्यूटी। अब ट्रांजिट ड्यूटी क्या होती है, ट्रांजिट ड्यूटी होती है कि एक कंट्री को किसी प्रोडक्ट की नीड है, उसने एक प्रोडक्ट की डिमांड की, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट सपोज किसी तीसरी कंट्री से होकर किसी उस कंट्री में जा रहा है जहाँ ज़रूरत है, ठीक है। एग्जांपल के लिए ए कंट्री है, ये बी कंट्री है और ये सी कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो बी कंट्री को प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन ये जो है प्रोडक्ट ए पहले सी को भेजेगा, सी के थ्रू बी तक पहुँच रही है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, ये उस प्रोडक्ट को घूमकर उस तक पहुंच रही है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट पास्ड फ्रॉम अनदर कंट्री एंड इम्पोज्ड बाय कंट्री फ्रॉम विच गुड पास। तो ये भी एक ट्रांजिट ड्यूटी पे की जाती है क्योंकि उस कंट्री से वो प्रोडक्ट पास होकर उस कंट्री तक पहुंचा है। अब कुछ मेजर टैरिफ बैरियर्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ड्यूटी, अब स्पेसिफिक ड्यूटी पर्टिकुलर वेट पे लगती है कि आप एक जो प्रोडक्ट है, सपोज एग्जांपल के लिए कि आप 10 किलो से ज़्यादा आप इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते या नहीं इंपोर्ट कर सकते, तो इस पे कुछ जो है स्पेसिफिक ड्यूटी लग जाती है कि आप 10 किलो से ज़्यादा, जैसे ही ज़्यादा ऊपर मंगाओगे तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, सम यूनिट और ऑन द वेट, उस वेट पर वो ड्यूटी पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट है एड वॉलरम टैरिफ। अब ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर मॉनिटरी फॉर्म में होता है कि एक वैल्यू लगा दी, एक वैल्यू की 20,000 से ज़्यादा क्या अगर आप प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको 20,000 से ज़्यादा पर आपको एक्स्ट्रा टैरिफ बैरियर्स जो है वो पे करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उसका नाम होगा एड वॉल्यूम टैरिफ ऑन द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स, ठीक है। मॉनिटरी वैल्यू यहाँ पर मनी से रिलेट है। कंबाइंड ड्यूटी, अब कंबाइंड ड्यूटी में ये दोनों ही आ जाते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटी और एड वॉल्यूम टैरिफ, यानी कि आप को वेट के अकॉर्डिंग भी देना होगा और मॉनेटरी फॉर्म में भी देना होगा, दोनों ही फॉर्म में आपसे ली जा सकती है। स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी, अब स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ड्यूटी वेरियस प्राइस और कॉमोडिटी, इन प्राइजेस जो एग्रीकल्चर है उन पर ये टैरिफ ड्यूटी ली जाती है। प्रोटेक्टिव टैरिफ, अब ये कंपटीशन को कम से कम करने के लिए प्रोटेक्टिव टैरिफ लिया जाता है। अब सपोज एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री में एक प्रोडक्ट को सेल कर रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, तो ना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट, इसके लिए वो क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाती है कि इसके बाद भाई देखो आपने बहुत ज़्यादा जो हमारी कंट्री है उसने बहुत इंपोर्ट कर लिया और हमारे डोमेस्टिक लोकल जो है वो मार्केट को बचाया जा सके, इसके लिए प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस और पर्पस ऑफ इम्पोजिशन, ठीक है, कि हमारा जो है वो ठीक से काम हो सके और हमारे पर्पस की हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू अर्न हो सके। तो देखो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू टैरिफ टू अर्न रेवेन्यू। अब अगर ड्यूटीज़ जो है वो पे कर रहे हैं इम्पोर्टर एक्सपोर्टर तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा, टू अर्न रेवेन्यू एक पर्पस हो गया। एंटी डंपिंग ड्यूटी, अब एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है, देखो एक कंट्री एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, ये है जापान, ठीक है, और ये है अनदर कंट्री इंडिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इनके यहाँ पे जो है सपोज 8G चल रहा है, ठीक है, 8G चल रहा है, अब हमारी जो कंट्री है वहाँ 4G चल रहा है, ठीक है। अब इनके यहाँ जो है जो ये 8G प्रोडक्ट है, अब इसके बाद 9G आ गया, तो इन्होंने सोचा क्यों ना 8G जो है वो इंडिया में सेल आउट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो यहाँ सेल आउट कर दिया जाए, यहाँ डंप कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो कंट्री हैं वहाँ पर जो कंपनीज हैं वो अनदर कंट्री में जाकर उस प्रोडक्ट को डंप ना कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आके तो बहुत सस्ते में बेचेंगे वो अपने प्रोडक्ट को, और ऐसा ना कर सके इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सपोज एक प्रोडक्ट जो 100 रुपये में वो अपनी कंट्री में बेच रहा था, ठीक है, अब वो क्या कहते हैं उसकी डिमांड ख़त्म हो गई, उसने अनदर कंट्री में जाकर उस प्रोडक्ट को सोचा अब 100 में बिक रहा था, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं क्यों ना इसे
40 रुपये में बेच देता हूँ अनदर कंट्री में, मुझे तो प्रॉफिट हो जाए क्योंकि यहाँ पे डिमांड वमांड खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ के लोकल जो है वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं तब भी वो 60 रुपये का बन रहा है, और क्योंकि ये 40 रुपये में बेच रहा है तो यहाँ के कस्टमर क्या करेंगे, वो 40 रुपये वाले प्रोडक्ट लेंगे और लोकल जो मार्केट है उसको ये ख़राब कर देगा, और ऐसा ना हो इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, जिसके बाद इसमें कुछ जो है टैक्सेस ऐड करके इसको 60 के बराबर कर दिया जाएगा। टू ऑफसेट डंपिंग इफेक्ट डंपिंग अ सिचुएशन व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री एट प्राइस लोअर देन इट्स मार्केट कॉस्ट। तो मैंने अभी आपको यही बताया था, 100 रुपये का जो प्रोडक्ट था उसके बाद भी वो 40 रुपये में दूसरी कंट्री में बेच रहा था, जिससे कि वो डंप कर रहा था क्योंकि वो प्रोडक्ट एक्चुअली ख़त्म हो चुका है पूरी तरह, ठीक है। और ऐसा ना कर सके कोई कंट्री, इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी बेसिकली क्या होती है, टू ऑफसेट द इफेक्ट ऑफ कंसेशन एंड सब्सिडीज ग्रांटेड बाय द फॉरेन कंट्री टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग। अब ये एग्जांपल लेते हैं कि एक जो कंट्री थी वो 100 रुपये में एक प्रोडक्ट को बना रही थी, अपनी कंट्री में वो 100 रुपये का ही बेच रही थी, सिमिलर वो क्या करती है दूसरी कंट्री में भी आकर 100 रुपये का ही बेचती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डंप नहीं कर रही, वो बेच रही है सेम प्राइस पर। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ के जो लोकल्स मार्केट जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं ये कितने का बना रहे हैं, 60 रुपये का, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहेगी क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ज़्यादा अच्छा है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, तो वो 100 रुपये में जो प्रोडक्ट है जो बना पा रहे हैं, और यहाँ पर 160, अच्छा 60 नहीं 160 रुपये, तो ये 100 रुपये का प्रोडक्ट जो है वो 160 में ये कंट्री बना पा रही है, उसकी कॉस्ट ये आ रही है, ठीक है। तो ऐसा ना हो सके इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देती है, जिससे कि ये जो 100 रुपये का प्रोडक्ट है जो वो अपनी कंट्री में बना रहा था वो दूसरी कंट्री में जब बेचेगा तो वो कितने का बेचेगा, 160 रुपये का ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर कुछ ड्यूटीज़ लगा दी। और ये देखो यहाँ पर जो लोकल मार्केट में जो बिजनेसमैन बना रहे थे उसके बराबर इसका कॉस्ट हो गया, ठीक है, जिससे लोकल मार्केट जो बिजनेसमैन है उनके साथ उनका लॉस ना हो, इसके लिए ये काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड रिलेशन सिंगल कॉलम टैरिफ, अब सिंगल कॉलम टैरिफ क्या होता है कि सबके लिए एक ही टैक्स, ठीक है, जो भी ट्रेड करेगा उसका यही सेम परसेंटेज हर कंट्री को देना, ये होता है सिंगल कॉलम टैरिफ। अब डबल कॉलम टैरिफ क्या होता है कि जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, जैसे इंडिया के जिस कंट्री के रिलेशन जिसके साथ अच्छे होंगे उसको क्या करना, लोअर रेट पे दे देना प्रोडक्ट, लोअर परसेंटेज पे दे देना, और जिसके साथ अच्छे नहीं हैं उसको हायर पे देना, तो ये होता है डबल कॉलम टैरिफ, ठीक है, टैरिफ कम लगा देना, टैरिफ ज़्यादा लगा देना, इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ट्रिपल कॉलम टैरिफ, इसमें 3 रेट्स होते हैं, एक तो जनरल होते हैं जो सबके लिए होंगे जैसे 1 रेट, और यहाँ पर दूसरा होता है जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, जिस कंट्री को हम क्या करेंगे प्रेफरेंस देंगे कि हमारे इस कंट्री के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हम इनके साथ टैरिफ जो है बहुत ही कम लगाना चाहते हैं, ठीक है, और दूसरा था। तो ये 3 तरीके के हमारे टैरिफ होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम टैरिफ। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर बेसिकली क्या होता है, क्वांटिटी पे लगते हैं, और ये जो है वो प्रोडक्ट की जो है वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, ये रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं क्वांटिटी पर कि आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं मंगा सकते, या इतनी क्वांटिटी के बाद आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इतनी क्वांटिटी के बाद आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो ये होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये बेसिकली लगते हैं क्वांटिटी नॉट वैल्यू इंक्रीज इन प्रोडक्ट। नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड आर ट्रेड बैरियर्स दैट रेस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू मैकेनिज्म अदर देन सिंपल इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। एनी बैरियर अदर देन टैरिफ आर नोन एज नॉन टैरिफ बैरियर। तो जो टैरिफ है उसके अलावा जो भी हैं उन सबको हम नॉन टैरिफ बैरियर्स बोलते हैं, ये बेसिकली क्वांटिटी पर लगते हैं, ठीक है, ये उस प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते, ये क्वांटिटी पे लगते हैं कि उससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मेजर नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइसेंसिंग,
कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट यहाँ पर इम्पोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो आपको पर्टिकुलर एक लाइसेंस चाहिए होगा, उसके बाद ही आप वहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को या एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक लाइसेंस बना देना। इम्पोर्टिंग टू अ सर्टेन गुड्स नीड लाइसेंसिंग, जैसे मेडिसिन के लिए चाहिए होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और जैसे कि अभी क्या हुआ था COVID-19 के टाइम पे कि नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दिए गए थे कि ये मेडिसिन आप ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या इस क्वांटिटी के बाद आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो है अभी इंडिया में बहुत लोगों को उसकी ज़रूरत थी उस मेडिसिन की, इसलिए ये लगा दी गई थी बैरियर्स। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, ये क्या था, अ वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेन VER इज अ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन ऑन अ क्वांटिटी of a goods that an exporting country is allowed to export to another country. This limit is self-imposed by the exporting country. अब voluntary export basically क्या होता है, ये export country लगाती है। Example के लिए लेते हैं हम कि इंडिया एक export country है, ठीक है, वो किसी other country को, suppose America को क्या कर रही थी, medicine supply कर रही थी, अभी COVID-19 था ना, तो मेडिसिन सप्लाई करी थी। अब क्योंकि यहाँ इंडिया में पेशेंट को या जो है बहुत ज़्यादा नीड हुई, तो इन्होंने कहा गवर्नमेंट ने कि अभी आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पर कर दी वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन कि अभी आप नहीं कर सकते एक्सपोर्ट की क्वांटिटी पर, या कुछ क्वांटिटी पर लगा दी कि आप इतनी ज़्यादा उसको सेंड नहीं कर सकते या नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये कुछ ड्यूटीज़ लगा दी जाती है, कुछ टैरिफ लगा दिए जाते हैं जिससे वो उसको ना दे सके आगे। एग्जाम्पल के लिए एक अनदर कंट्री लेते हैं, किसी हमने क्या किया, एक कंट्री है दूसरी कंट्री को क्या करा, एक्सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर सपोज उस प्रोडक्ट की नीड है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, आप पहले अपनी कंट्री की नीड को फुलफिल करोगे, उसके बाद ही दूसरी कंट्री को क्या करोगे, सप्लाई करोगे, तो ये इसलिए भी लगाई जाती है। कोटाज, नंबर और वैल्यू ऑफ गुड्स, अ कोटाज ऑफ तो बेसिकली ये देखो होता क्या है, प्रोटेक्शनिज्म। अब यहाँ पर ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है सपोज सारे के सारे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें कि हम वहाँ से तो अच्छा प्राइस मिल रहा है, हम क्यों ना ये प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, तो फिर जो क्या होगी, जो उसकी कंट्री की जो नीड्स होंगी उसको वो फुलफिल नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में लग जाएंगे, और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करा जाता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स को लगाया जाता है। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, अब कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिससे कि कस्टमर के साथ अनफेयर ना हो सके एक प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स, तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स आर डिजाइंड टू इंश्योर सेफ्टी कंपेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, कि वो प्रोडक्ट जो है सही बने, अच्छी मात्रा में बने, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, और वो सेफ हो एक कस्टमर के लिए, इस स्टैंडर्ड को देखते हुए कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मेजर नॉन टैरिफ बैरियर्स।